तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला ओडीआई मुकाबला 17 दिसंबर 2023 संडे को खेला जाएगा जोहान्सबर्ग के न्यू वंडर्स स्टेडियम में, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से यानी कि 1:30 PM से पहला ओडीआई मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। अब ये पहला ओडीआई मुकाबला काफी शानदार, काफी जबरदस्त होगा, जिसे आप लाइव देख सकेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर। तो वहीं आप स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स के अलग अलग नेटवर्क पर अलग अलग भाषाओं में लाइव देख सकेंगे, जबकि आप दूरदर्शन पर यानी कि डीडी स्पोर्ट्स के डीडी फ्री डिश पर लाइव देख सकेंगे। क्योंकि पहला ओडीआई मुकाबला जोहान्सबर्ग के न्यू वंडर्स स्टेडियम में खेला जाएगा, तो इस मैदान पर अब तक भारतीय टीम ने क्रिकेट के इतिहास में टोटल 8 ओडीआई मुकाबले खेले, लेकिन टीम इंडिया को इन 8 मैच से मात्र 3 ही ओडीआई मैच में जीत मिली है और 5 मैचों में करारी शिकस्त मिली है टीम इंडिया को। वहीं बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मैदान पर टोटल 40 ओडीआई इंटरनेशनल मुकाबले खेले, जहां दक्षिण अफ्रीका को 40 में से 30 ओडीआई मुकाबले में शानदार जीत मिली है। मात्र 10 ही मैच ये टीम इस मैदान पर हारी है ओडीआई फॉर्मेट में। अब पहला ओडीआई मुकाबला शुरू होने से पहले टीम इंडिया को काफी तगड़ा झटका लगा, क्योंकि टीम इंडिया के जबरदस्त स्टार गेंदबाज दीपक चहर, जिन्हें पहले T20 सीरीज के लिए टीम में चुना गया था, लेकिन फैमिली रीजंस की वजह से वो T20 सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए थे। एक्सपेक्ट था कि वो ओडीआई सीरीज का हिस्सा होंगे, लेकिन अब फैमिली इमरजेंसी के कारण दीपक चहर ओडीआई सीरीज से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। बीसीसीआई ने उनका रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दिया है ओडीआई सीरीज के लिए। दीपक चहर की जगह पर टीम में जबरदस्त यंग फास्ट बॉलर आकाशदीप को टीम में शामिल किया है। जहां इस ओडीआई सीरीज के लिए पहले ही टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जबकि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा नहीं थे, जबकि T20 सीरीज खेलने वाले शुभमन गिल, जबकि सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, ये सभी खिलाड़ी भी ओडीआई सीरीज का हिस्सा नहीं है, इन्हें भी रेस्ट यानी कि आराम दिया गया है। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम से भी बड़े बड़े खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, जिसमें कप्तान टेम्बा बाउमा का नाम है। इसके अलावा रबादो को भी रेस्ट दिया गया है, तो वहीं मार्को जेनसन और जेराल कोटसिया को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें भी रेस्ट दिया गया है। जहां इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी ओडीआई सीरीज साल 2022 में खेला गया था, जब साउथ अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आई थी, तब भारतीय टीम ने 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को 2-1 के अंतर से बुरी तरह से हराया था। लेकिन जब टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका दौरे पर आखिरी बार गई थी, तब भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका दौरे पर काफी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। साउथ अफ्रीका की टीम ने 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में भारत को 3-0 के अंतर से बुरी तरह से हराया था, व्हाइट वॉश किया था, क्लीन स्वीप किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका की टीम पर डोमिनेट करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वहां का पिच, वहां का कंडीशन एकदम अलग होता है एशियन कंडीशन से। तो जानेंगे इस वीडियो में इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, क्या आखिर पिच कैसे रहने वाला है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, क्या आखिर किसका पलड़ा भारी है, और इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 आपको दिखाने और बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन से 11-11 खिलाड़ी दोनों ही टीमों की तरफ से इस मुकाबले में उतरने वाले हैं। जबकि इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि आखिर पहला ओडीआई मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, जबकि क्या है वेदर रिपोर्ट, बारिश होगी या फिर नहीं, तो इस वीडियो में आगे पूरे विस्तार से सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का ऑफिशियल स्पॉन्सर है इंडियास नंबर 1 क्रिकेट टिपर, क्रिकेट प्रेडिक्शन एक्सपर्ट्स, जिनका काम काफी अच्छा रहता है, इनके मैचेस बैक टू बैक पास जाते हैं। अगर आपको टॉस या फिर मैच रन की फिक्स रिपोर्ट चाहिए, 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन चाहिए, तो अभी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्रिकेट प्रेडिक्शन एक्सपर्ट्स को, जिनके मैचेस पूरे वर्ल्ड कप में बैक टू बैक पास गए थे। इस सीरीज में भी अब तक सभी मैचेस बैक टू बैक पास गए, जो लोग इनके साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो अच्छे प्रॉफिट में हैं। अगर आप भी इनके साथ जुड़ते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉफिट में हो सकते हैं, आप भी अच्छा खासा कमा सकते हैं मैच का मजा उठाने के साथ साथ। तो देर किस बात की है, अभी फटाफट क्रिकेट प्रेडिक्शन एक्सपर्ट्स को कॉन्टेक्ट करो इनके व्हाट्सएप नंबर पर, इनका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जबकि इनके टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप पर अभी कॉन्टेक्ट करो। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खत्म हो चुकी है, जहां 3 T20 मैचों की सीरीज एक एक की बराबरी पर खत्म हो गया था, क्योंकि पहला T20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, दूसरा T20 मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत लिया था, तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने शानदार वापसी की थी, तीसरा T20 मुकाबला टीम इंडिया ने जीतकर सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म कर दी थी। अब बारी ओडीआई सीरीज की है, जहां 3 ओडीआई मैचों की सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 17 दिसंबर 2023 को खेला जाएगा दोपहर 1:30 बजे से जोहान्सबर्ग में। तो बात करते हैं सबसे पहले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट और कंडीशन के बारे में। तो इस मैदान पर अब तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 51 ओडीआई अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 21 मैचों में जीत मिली है, चेस करने वाली टीम को 28 ओडीआई मैचों में शानदार जीत मिली है। इस मैदान का एवरेज स्कोर है ओडीआई फॉर्मेट में 265 रन, जबकि इस मैदान का सबसे हाई
सबसे बड़ा स्कोर 438 रन है जो कि साउथ अफ्रीका ने बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जबकि इस मैदान का सबसे लोवेस्ट सबसे छोटा स्कोर 109 रन है। जहां ये पिच एक शानदार बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बल्लेबाजी करना काफी आसान रहता है, तो वहीं स्पिनर्स के मुकाबले तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है इस पिच पर। अब बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 91 ओडीआई अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए, जिसमें भारतीय टीम ने 38 ओडीआई मैचेस जीते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने 91 में से 50 ओडीआई अंतरराष्ट्रीय मुकाबले जीते हैं और 3 मैचेस नो रिजल्ट रहे हैं। अब बात करें इस मुकाबले की वेदर रिपोर्ट की, तो पहला ओडीआई मुकाबला 17 दिसंबर को खेला जाएगा। अब ऐसे में 17 दिसंबर का वेदर रिपोर्ट कुछ इस तरह से है, जहां पूरे दिन बारिश होने के चांसेस नहीं है वेदर फोरकास्ट के अनुसार, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। तो सभी फैंस के लिए गुड न्यूज है कि बारिश होने के चांस नहीं दिखाई दे रहा वेदर फोरकास्ट के अनुसार। तो अब चलिए बात करते हैं पहले ओडीआई मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। तो कुछ इस तरह से होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। एज अ ओपनर नंबर 1 पर ऋतुराज के क्वाड होंगे जो करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी। नंबर 2 पर साई सुदर्शन होंगे जो करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी, ने पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। जबकि नंबर 3 पर होंगे सरास अय्यर, नंबर 4 पर रजत पाटीदार या फिर तिलक वर्मा, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा। तो वही नंबर 5 पर होंगे कप्तान केएल राहुल। जी हां, टीम इंडिया को लेडीज ओडीआई सीरीज में केएल राहुल करेंगे, जो साथ ही साथ विकेट कीपर की भी जिम्मेदारी निभाएंगे। बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर होंगे रिंकू सिंह द फिनिशर, तो वही नंबर 7 पर होंगे अक्षर पटेल स्पिनर ऑलराउंडर, जबकि नंबर 8 पर होंगे कुलदीप यादव चाइनामैन स्पिनर या फिर युजवेंद्र चहल, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा। नंबर 9 पर होंगे अर्शदीप सिंह, तो वही नंबर 10 पर मुकेश कुमार जो काफी शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं, नंबर 11 पर होंगे अवेश खान। तो ये रही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले ओडीआई मुकाबले के लिए। अब बात करें साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11, तो एज अ ओपनर नंबर 1 पर होंगे रिसा हेंड्रिक्स, नंबर 2 पर टोनी डीजोल्सी, जबकि नंबर 3 पर होंगे रसाई वंदर दुसान, नंबर 4 पर कप्तान एडिन मार्करम, तो वही नंबर 5 पर हेनरी क्लासन जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर, जबकि नंबर 6 पर डेविड मिलर, नंबर 7 पर हेनरी फिलिप वायो, नंबर 8 पर केशव मेहराज या फिर तबरेज शमसी, इन दो स्पिनर्स में से किसी को खिलाया जाएगा। नंबर 9 पर नांद्रे बर्गर, नंबर 10 पर लिजार्ड विलियम्स और नंबर 11 पर ओटनेल ब्रैडमैन। तो ये रही साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11, जहां साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग अटैक काफी इनएक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय गेंदबाजी में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है। जबकि बल्लेबाजी की बात करें तो दोनों ही टीमों से बड़े बड़े खिलाड़ी रेस्ट पर हैं, लेकिन फिर भी दोनों टीमों में कुछ बड़े बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद हैं। तो बात करते हैं पहले ओडीआई मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में, क्या पहला वनडे मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। तो पहला ओडीआई मुकाबले को लेकर हमारी प्रेडिक्शन यह कि साउथ अफ्रीका की टीम पहला ओडीआई मुकाबला जीत सकती है, लेकिन आई होप उम्मीद करूंगा कि भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करे, भारतीय टीम ही पहला ओडीआई मुकाबला जीते और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ले, लेकिन ऐसा होना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो आपके अनुसार पहला ओडीआई मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आप भी डेली आईपीएल और क्रिकेट की हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है।